मैम देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि इमोशनल या लॉलीपॉप देने वाली चीज़ें नहीं होंगी। ये बजट और ये सरकार की मंशा हमेशा रेशनल है। इकोनॉमिक सर्वे भी इसीलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट रेशनल डिसीजन ले। एक छोटा सा डाटा मैं आपको दूंगा कि भारत को अगर वर्ल्ड लीडर बनना है तो 25 से 30 या 35 ट्रिलियन डॉलर US डॉलर की इन्वेस्टमेंट की मिश्रा जरूरत जी, है। ये डेटा देखिए अलग है। नहीं, मैं जिस मैं आप ही के की, डाटा पे नहीं, आ नहीं रहा हूं। सर, मैं जिस डेटा को समझने की आपसे फिलहाल हाँ कोशिश कर रही हूँ वो मैं केंद्र और हाँ राज्य के साझा राजकोषीय घाटे को समझने नहीं, की नहीं, कोशिश मैं कर आपको बता रहा उसको हूँ। कैसे नहीं, कम मैं करेंगे आपको ये बता मुझे रहा आप हूँ। समझाइए। इसको देखिए एकदम सेपरेट आप कर दीजिए। हाँ जैसे बंगाल की गवर्नमेंट है और यहाँ पे बीजेपी सेंटर की गवर्नमेंट, उनको कोई योजना दे रही है तो बोल रहे जी हम ये योजना लागू ही नहीं करेंगे, हम टाटा को यहाँ जमीन नहीं देंगे। इसी तरीके से दिल्ली की या जहां जहां पे सेंट्रल वाली सरकारें स्टेट में नहीं है, आप देखिए जितने मेजर स्टेट कंट्रीब्यूटिंग है, राजस्थान हो गया, एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना को नहीं चलाते हैं, बंगाल नहीं चलाता है, दिल्ली नहीं चलाता है। तो ये डिफरेंस बढ़ेगा जहां जहां सिंक है, यानी एक समान विचार से चल रहे हैं। रही बात आप इन्फ्लेशन वगैरह की जो कर नहीं, रहे मिश्रा हैं, जी सिंह तो ज्यादातर में मेजोरिटी में है ना। नहीं, बात मेजोरिटी की नहीं है, लेकिन आप कंट्रीब्यूशन देखिए जीडीपी का, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। जैसे अगर महाराष्ट्र में देखें कि पहले बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, महाराष्ट्र सबसे बड़ी इकोनॉमी होती थी, अब यूपी आई है। तो जो मेजर 4-5 स्टेट हैं जो इंडिया में इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बंगाल देखिए, कोलकाता कभी हब हुआ करता था, बंगाल का आज की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है? वहां आउट ऑफ सिंक आपको नजर आता है? नहीं, सिंक बंगाल में सिंक नहीं है। जो 5-6 बड़े मेजर स्टेट हैं जो इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन या ड्राइवर बोले जाते हैं, अगर वहां पे सेंट्रल जो फंड दे रही है, जो योजनाएं चला रही है, आप नहीं चला पा रहे हैं वहां पे। मैं तो बोलता हूं कि भाई स्टेट की भी जीडीपी होती है, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाए ना कि आपकी इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही है। अगर एक स्टेट यूपी जो कभी बीमारू राज्य बोला जाता था, आज उसकी इकोनॉमी स्टेट जीडीपी वगैरह सबसे ज्यादा हो गई है, तो महाराष्ट्र क्यों पीछे चला गया? बंगाल जो दुनिया में सबसे ज्यादा एक प्रबुद्ध राज्य माना जाता था, इकोनॉमिक हब था कभी इंडिया का, अंग्रेजों ने राजधानी बनाई, आज वहां भुखमरी क्यों फैली है? तो स्टेट गवर्नमेंट की नाकामियों को आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे मत डालिए। सेंट्रल पैसा देती है, वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बंदर बांट करेंगे, हिस्से बकरे करेंगे और खा डालेंगे। तो वहां पे जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेंगे। दिल्ली स्टेट देखिए, केजरीवाल जी, एडवर्टीजमेंट पे खर्च होना चाहिए जी, डेवलपमेंट कुछ हो या ना हो। तो इस फर्क को समझिए बिल्कुल। और मिश्रा जी अभी एकदम आप पॉलिटिकल डिबेट के मोड में आ चुके हैं। डिबेट नहीं है, मैं इकोनॉमिक फिगर आपको बताता हूँ। और एक एग्जांपल आप देखिए, देखिए इसमें क्या होता है कि कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। आप जो कह रहे हैं, जब हमें चैलेंजेस है, ठीक है, जल्दी से गवर्नमेंट के फंड को नहीं आने देंगे, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू रखते हुए मैं